नमस्कार, आप सबका स्वागत है। अलवर की अगर हम बात करें, जैसा सभी जानते हैं, पंचायत चुनाव यहाँ पर होने वाले हैं और पंचायत चुनाव को लेकर हर प्रत्याशी दिन रात मेहनत कर रहा है। हर कैंडिडेट यहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार करता हुआ दिखाई दे रहा है और अपनी जीत का दावा भी कर रहा है। लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि किसी भी तरीके से इस बार उन्हें जिताए, ताकि आने वाले दिनों में जीत कर जब वो आए तो यहाँ पर आमजन की तमाम समस्याएँ जो हैं उनका निवारण किया जाए और साथ ही जो बहुत सारे मुद्दे हैं जो पिछली बार पूरे नहीं हो पाए, इस बार उन्हें कम्प्लीट करे। वार्ड नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ से नेहा जी हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी से कैंडिडेट हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के चुनाव को वो कैसे देखते हैं और क्या कुछ खास मुद्दे रहेंगे। नेहा जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। चुनाव को लेकर क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ उम्मीद आप करते हैं अगर आप जीत जाएंगे तो? सबसे पहले तो यहाँ जो विकास के कार्य जो पिछली बार नहीं हो पाए तो उन्हें मैं पूरे उससे करने की कोशिश करूंगी। जनता की उम्मीदों पर खरी उतरने का अपना पूरा प्रयास करूंगी। आप आम लोगों से मिल रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, उनसे कह रहे होंगे मेरे पक्ष में वोट करो, तो आपको ऐसा क्यों लगता है वो आपको ही क्यों वोट करे? कहीं तो आप ऐसा भरोसा उन्हें दिला के आते होंगे, क्योंकि उनके पास तो और भी बहुत लोग आते होंगे। हाँ जी, तो कुछ तो आप मतलब अंदर से आता होगा ना आपको कि वाकई मैं आपके लिए वो काम करूंगी, तो आम लोग क्या आपसे मतलब उम्मीद करें? मैं देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से खड़ी हूँ, तो नरेंद्र मोदी जी का काम तो सबने देखा ही है, तो उसी के बलबूते पे कि मैं भी उनकी तरह ही उनकी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी, अपने पूरे प्रयास करूंगी और ज्यादा कुछ तो नहीं, मैं अपने काम से उन्हें करके दिखाना चाहूंगी। अधिकतर देखो, हम कह सकते हैं कि अपने देश की आधी आबादी है औरतें, फिर भी उन्हें वो मान सम्मान अभी तक नहीं मिल पाया है। बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि एक महिला कैंडिडेट यहाँ से खड़ी हो रही है। तो आप महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो उसको लेकर आप क्या, क्योंकि मुद्दे तो सड़क पानी तो सब करवाएगा, लेकिन महिला सशक्तिकरण की बात करें उसके लिए आप क्या करेंगे? शिक्षा, हाँ, महिलाएं जो शिक्षित नहीं है, सबसे पहले तो उनकी शिक्षा के लिए, और जो आजकल पर्दे में रह रही है उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, बालिकाओं को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो सबसे पहले तो यही प्रयास रहेगा, क्योंकि जब तक शिक्षित नहीं होगा हमारा समाज तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। और साथ ही जो बहुत सारी लड़कियां हैं जो आज इस तरीके से आपने कहा कि वो पढ़ नहीं पा रही, तो उन्हें पढ़ने के लिए आप पूरी कोशिश करेंगे कि वो? अपना पूरा प्रयास करूंगी, बिल्कुल बिल्कुल, और जागरूक करूंगी कि बालिकाओं को भी उसी तरह सम्मान से पढ़ाया जाए जैसे बालकों को पढ़ाया जाता है, बिल्कुल, तो हमारा देश विकास करेगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें मुद्दों की, है ना, बालिका, क्योंकि आप खुद फीमेल है तो ये तो बेस्ट है, मतलब सबसे पहले तो आप यही मुद्दा उठाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे अगर आप जीत, उसके बाद सबसे पहला एक होता है ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सड़क टूटी हुई है, मैं सड़क बनवाऊंगा, पानी की कमी है, पानी, तो आपने अपने एरिया में घूम के देखा होगा, क्या लगता है आपको कौन एक ऐसा पॉइंट है जो सबसे पहले करवाना जरूरी है? सबसे पहला तो यहाँ नालियों का ही है, सड़कों का ही है, कि उसको लेकर झगड़े भी होते होंगे। हाँ, व्यवस्था नहीं है जी। और दूसरा, आजकल ये भिवाड़ी में बहुत ज्यादा गुंडागर्दी चल रही है जी, उसके लिए विशेष तौर से काम करना चाहूंगा। चलिए ठीक है, आप बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको कि आप जीते। तो आपने देखा किस तरीके से नेहा जी ने बताया कि सबसे पहला महिला सशक्तिकरण को लेकर वो मुद्दा उठाएगी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कह सकते हैं कि नालियों को लेकर, सड़कों को लेकर जो फिलहाल भिवाड़ी आसपास में टपुकड़ा में जो स्थितियां बनी हुई है उनको यहां पर दुरुस्त करने की कोशिश करेगी। यार, आप सबका स्वागत है। आपको बता दें कि अलवर में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। पंचायत चुनाव को लेकर अगर एक तरफ कैंडिडेट जो है वो यहां पर दिन रात प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर कह सकते हैं कि आम जन जो है, वोटर्स जो है, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशान है या कश्मकश की स्थिति में कि वाकई इस बार हम किस कैंडिडेट को जिताए जो आने वाले दिनों में अगर चुनाव जीतता है तो हमारे लिए अच्छे कामकाज करता हुआ नजर आए। उसी को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एसआर खान, और साथ ही वो साथ में समाज सेवी भी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इतने सारे कैंडिडेट्स आपके सामने आ रहे हैं, क्या लगता है इस बार के चुनाव को देखकर क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी आती है? मैं पहली बार ये कहूँगा कि भारत की परंपरा को निभाते हुए मैं पड़ोस के नाते सबसे पहले मैं मिस्टर नेहा वैभव शिव कुमार के साथ हूँ, और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि वो कामयाब होंगे आपके उसमें इलेक्शन में, और बढ़िया कैंडिडेट और बढ़िया काम करेंगे आने वाले वक्त में। शिव कुमार जी अच्छे समाज सेवी हैं, तो हमारी आस्था, हमारी विश्वास, हमारा आशीर्वाद नेहा के साथ। एज ए वोटर की अगर हम बात करें, आप पड़ोसी हैं तो आपने समर्थन कर दिया, लेकिन बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारे वोटर्स हैं, उनमें लगा रहता है कि वाकई ही अगर किसी
के पड़ोस से कोई नहीं खड़ा हो रहा, कोई तीन चार गांव छोड़ के खड़ा हो रहा है, तो क्या कुछ ऐसी सुगबुगाहट है, मतलब क्या कुछ मेन टॉपिक रहेंगे, मुद्दे रहेंगे जिसपे लोग इस बार वोट डालना चाहेंगे? ऐसा है टपुकड़ा में कि आस्था है वो बीजेपी के साथ है और ये बीजेपी के कैंडिडेट है, इसलिए ऐसी उम्मीद है कि ये निकल जाएंगे, कोई भी दिक्कत आने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। अगर जीतते हैं तो क्या कुछ प्राथमिकताएं, मतलब आप क्या उम्मीद करते हैं, सबसे पहले आपके क्षेत्र में क्या कुछ काम करवाएं? अभी टपुकड़ा है वो तहसील बनने जा रहा है जी। तो उसमें बहुत सारे काम ऐसे आएंगे जो नेहा जो हमारी बेटी लगती हैं, जैसे गलियारे हैं, हॉस्पिटल है, तहसील है, उनको बहुत अच्छा देख पाएंगी और वो अच्छी पढ़ी लिखी औरत हैं, बीएससी बीएड हैं, तो जब पढ़ने के बाद दिमाग आता है, काम करता है, समाज में आ जाता है तो आदमी काम करता है। आपको लगता है कि इस बार के जो वोटर्स हैं उन्हें पढ़े लिखे कैंडिडेट्स को चुनना चाहिए? बिल्कुल ऐसा है और यही लेकर के टपुकड़ा अपने आप में बहुत उत्तेजित है कि पढ़ी लिखी बेटी हमारे पास आ रही है और वो समाज में काम करेगी, पंचायत में काम करेगी, आगे काम करेगी, हमारे काम आएगी। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया बहुत।